प्रणाम अम्मा जी। हाँ, वो ठीक है। हाँ, हम भी अभी सोने ही जा रहे हैं। हाँ, गुड नाइट स्वीट ड्रम्स। हाँ, आपकी मम्मी है? नहीं नहीं हमारी सासू माँ है। ओ, आपकी सासू माँ। तो आप अपनी सास से बहुत प्यार करती हैं? हमारी अम्मा से भी ज्यादा, और वो भी हमको अपनी बेटी मानती हैं। अरे वाह। कहा है आपकी सासू माँ आपसे प्यार नहीं करती? कहा? अरे नहीं, मेरी सासू माँ तो मुझसे इतना प्यार करती है, इतना प्यार करती है, हाँ, कि मुझसे संभाल ही नहीं संभालता। अच्छा, और आपको क्या बताऊँ अंगूरी जी, केयर केयर तो वो इतनी करती हैं, इतनी करती हैं कि गर्मी के मौसम में सर्दी का खाना खिलाती हैं कि कहीं ठंड ना लग जाए, सर्दी के मौसम में छतरी पकड़ा देती हैं कि कहीं धूप से तो अच्छा ना जल जाए। हाय दया, कितनी अच्छी है। तो आप उनको अपने साथ क्यों नहीं लाए? अरे वो तो आने के लिए तड़प रही हैं। हाय, ये तो बहुत अच्छा है। चलो उनसे बतिया लेते हैं, उनको फोन करते हैं। अरे नहीं, अंगूरी जी, उनको मत फोन लगा दीजिएगा। अगर उनको फोन लगा दिया ना तो ये पूरी रात खत्म हो जाएगी, लेकिन उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। भाभी जी कैसे सोती हैं इस आदमी के साथ? चमेली का बंदर मेहरबानियां जो पहने बार वो पहने बार बार बताइए। ये आदमी नींद में कच्चे बनियान बेच रहा है। Oh God! बहुत ही भयानक सपना देखे हैं। क्या सपना? हम देखे हैं कि लड्डू के भैया को कोई पीट रहा है। क्या मुसीबत है यार, याद नींद में चीखता है। सारे कभी सच होते हैं क्या? अच्छा, ये जो सपने होते हैं ना, ये हमारे दिमाग का फितूर होते हैं। जो हम सारा दिन सोचते रहते हैं ना, वो ही हमें सपने में आ जाते हैं। अच्छा, ये रिलैक्स, अब सो जाओ। ओके ओके। ये तो थी पहली किश्त। कल फिर आऊंगा मैं। सॉरी टू डिस्टर्ब यू इन द नाइट, पर क्या करें यार, सक्सेना अपने सारे कर्जे ना रात को ही उतारता है।
माफ कीजिएगा तिवारी जी, आपका जो सोने का ढंग है ना, बहुत बेढंगा है। अच्छा जी? जी, पूरे बिस्तर पे आप फैल के सोते हैं और इतनी जोरदार खर्राटे मारते हैं कि दो बार मैं चौंक के उठा। इधर से कहीं कोई सांड तो नहीं घुसाया कमरे में? देखा था, वो आवाजें आपकी तरफ से आ रही थी, आपके मुंह से आ रही थी। जब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैं जाके नीचे हॉल में सो गया। हॉल में सोने की यही वजह थी या कोई और वजह थी? सिर्फ यही वजह, और क्या वजह हो सकती है? एक बात बताइए जी, आपकी किसी के साथ कोई जाती दुश्मनी तो नहीं है? जी नहीं। नहीं, फिर भी याद कीजिए कोई भूला बिसरा फसाना। हाँ यस, याद आया, याद आया। कॉलेज के जमाने में एक लौंडा था जो अनिता को बड़ा छेड़ा करता था, पीछे पड़ा हुआ था हाथ धोके। एक रोज मौका मिला और हमने जो धोया उसको, जो गिरा गिरा के मारा है उसको। याद रखेगा जिंदगी भर, बड़ा मार। उसे आपके इस नए घर का पता मालूम है? अरे कहां मरखब गया होगा, क्या पता वता मालूम। आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? नहीं मतलब, किसी और की बला किसी और के सर चढ़ गई। मतलब धोबी जो है साला पतलून धोने आया था, पैजामा धोके चला गया। अब एक पहेलियां को बुझा रहे हैं, लगता है आपकी तबीयत खराब है। हाँ एक बात और। क्या बात? रात को कमरे से उठापटक की आवाजें आ रही थी। आपको नींद में कुश्ती लड़ने का शौक है क्या? कुश्ती लड़ने का मौका ही कहां दिया कमबख्त ने, सोते में ही दबोच लिया। नहीं कुछ नहीं, हमें लगता है कि अब हम ठीक हैं। हम चलते हैं, आप सब ठीक। तिवारी जी, ऐसे कैसे जाएंगे आप यहाँ से? अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं हुई है। नहीं भाभी जी, आप बहुत ज्यादा बेटर महसूस कर रहे हैं। हम ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। चलो अंगूरी, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आओ। हाय दया, ये सही कह रहे हैं, आप जरा भी हिल नहीं सकते। नहीं, रात को हमको ज्यादा हिल लिए हैं। आओ चलो। तिवारी जी, अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तिवारी जी, आपको याद नहीं है डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? आप यहाँ से एक इंच भी नहीं हिलेंगे। हम तो भाभी जी के पहलू में कुछ पल बल्लियों उछलना चाहते थे, यहाँ तो इंच भर हिलने के भी लाले पड़ गए। अंगूरी जी, आपको इनका गाल कुछ सूजा हुआ नहीं लग रहा है? हाँ दियो, ये सही कह रही है। लगता है आपकी रीढ़ की हड्डी की जो चोट है ना, उसका साइड इफेक्ट हो रहा है। Yes, I think you are right. This side effect is very bad. Vibhu, I think we have to call the doctor. डॉक्टर को फोन लगाओ। मनमोहन तिवारी जी, ये दो दिन आप पे बहुत ही भारी पड़ने वाले हैं। पंडित जी, एक रात तो बहुत भारी गुजर चुकी है। तिवारी जी, रेखा ये बता रही कि आने वाली रात भी आप पर काफी भारी पड़ने वाली है। हाय दया, लड्डू के भैया। अरे अंगूरी जी, आप क्यों इसको इतना सीरियसली ले रही हैं? मैं तो इन बातों में बिल्कुल विश्वास नहीं करती। अनिता, ये अंधविश्वास की बातें नहीं है। ये पामिस्ट्री जो है अपने आप में एक विज्ञान है, एक साइंस है। और जिस तरह पंडित जी ने हमारे तिवारी जी का हाथ पकड़ा था, मैं समझ गया था कि पंडित जी बहुत ज्ञानी। पंडित जी, जरा मेरा हाथ देके बताइए मेरा भविष्य प्लीज। हाँ जरूर, कम ऑन, ऑफ कोर्स, दिखाइए। अभी जी, जरा दूर होके बैठिए, उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है, टूट भी सकती है। जरूरी है कि हाथ की रेखा हिल रही है। ओके। विभूति जी, जी जी, आपके हाथों की रेखा ये बता रही है कि आपके जीवन में दो स्त्रियों का योग है। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।